हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं स्मिथिंग टूल्स और स्टिकी नोट्स के बारे में कि स्निपिंग टूल होता क्या है और स्टिकी नोट्स का क्या यूज है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्निपिंग टूल के बारे में। देखो, स्निपिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं। क्यों हमेशा करते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। मतलब जितने सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्यों करोगे ये समझो, इसका इस्तेमाल हम वहीं पे करेंगे जहां पे किसी पार्टिकुलर हिस्से को कट करना हो और उस इंटरफेस को इमेज के रूप में सेव करना। मतलब जब भी कहीं पे काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कोई ऐसा पार्टिकुलर एरिया है, क्या जी, कोई ऐसा पार्टिकुलर एरिया है जो मुझे क्या करना है, रखना है, सेव करना है, उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं अभी स्क्रीनशॉट लोगे। जब स्क्रीनशॉट लोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट लेगा ना, पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए, केवल मुझे इतना ही इंटरफेस चाहिए, केवल मुझे यही चाहिए। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका, स्निपिंग टूल। वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, जहां पे जाओगे वहां पे उस हिस्से को कट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उसको इमेज के रूप में सेव कर सकते हो और जब भी जरूरत पड़ेगा वहां पे लगा सकते हो, जब भी जरूरत पड़ेगा वहां पे लगा सकते हो। चलो, तो वो कैसे किया जाएगा वो हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग देखिएगा। उसमें 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस ऑप्शन का यूज होगा और कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, टाइप करेंगे तो देखो, जैसे मैंने टाइप किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्निपिंग टूल्स और यहाँ पे दिया न्यू और यहाँ पे दिया मोड, दिख रहा है। तो चलिए, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं अब। लेकिन मोड में देखो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्री फ्रॉम, रेक्टेंगुलर, विंडो, फुल स्क्रीन। चलो सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगुलर स्निप के बारे में, यह होता क्या, करता क्या है। तो देखो, जब भी हमको कभी भी स्क्वायर शेप में किसी इंटरफेस को कट करके और इमेज के रूप में सेव करना हो, तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, किस मोड का, रेक्टेंगुलर का। तो हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद से क्या चाहिए आपको, यह वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, बस कर दिया कट, आ गया। बोलो, जितना सिलेक्शन किया आया ना, अब मार्किंग करके कुछ हमको समझाना था। देखो, हाइलाइटर पेन में दिया रहता है, ऐसे बताएंगे कि बाबू यूट्यूब के द्वारा हम लोग कोई वीडियो चला सकते हैं, समझे। ये जो मैप है उसके सहारे हम लोग लोकेशन चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब माउस से लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यह है जीमेल के सहारे हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। मतलब ये पॉइंट भी दिखेगा आपको और यह है ऐसा हाईलाइट करके आप किसी को भेज भी सकते हो। और यहीं पे दिया है आपका ऑप्शन क्या, सेव का, इसको सेव भी कर सकते हो। जब तक तो सेव नहीं करोगे तब तक इमेज ग्रुप में सेव नहीं होगा। तो चलो, अब आता हूं मैं और इसको बंद करता हूँ और आ जाता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। अब देखो, डेस्कटॉप दिख रहा हमारा और मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया स्नेप। अब टाइप करने के बाद से देखो, मैं यहाँ पे मोड ले लेता हूँ जो लेना है और बस क्लिक करता हूँ। अब मुझे किस हिस्से को कट करना है, यहां से लेके यहाँ तक, बस कट कट हो गया।
अब इसको इमेज ग्रुप में सेव करना है, तो आ जाएंगे फाइल पे और सेव एज, दिख रहा है आपको? चलिए क्लिक कर दें। और किस नाम से सेव करना है? डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप। हो गया यार, देख लो, क्लोज करें। कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? नहीं यार, हाँ कमजोर हो गया है। हम बताइएगा कह रहे हैं आ गया ऊपर, एक बार और बताइएगा क्या दिख रहा है? डेस्कटॉप आ गया? नहीं आया था, खोजने में दिक्कत हो रही थी। क्लियर है? अब इसको जूम करके देख लो। तो ऐसे हम लोग कहीं पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे या किसी सॉफ्टवेयर में, आप वहां पे ऑप्शनों का इस्तेमाल करके आप आसानी तरीके से काम कर सकते हो। चलो मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको नोटपैड पढ़ाया हूँ ना, तो मैं आप मान लो सपोज उसका नोट्स बना रहा हूँ और मुझे वो नोट्स किसी को लिखवाना है या देना है, प्रिंट करना है, तो ऐसे इसको ओपन कर लूंगा। अब यह शॉर्टकट की मैं दिखाना चाहता हूँ, समझे? इसके लिए क्या करूंगा मैं, इस पे काम उतने अच्छे से करेगा नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आएगा तो उसमें भग जाएगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करेगा। विंडो प्लस यार वर्ड पैड लेते, उसमें समय में आएगा। इसके बाद अगला टॉपिक यही है, या एमएस पेंट पढ़ाया ना आपको, एमएस पेंट वो ले लेते हैं। जितना हुआ उतना हुआ ना, ठीक है पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद से देखिए क्लिपबोर्ड में इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस में इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यही नोट्स बनाना चाहता हूँ, क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप का, तो मैं सोच रहा फोटो के साथ बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आ जाऊंगा कहाँ पे? जी आ गया। और आने के बाद क्या करेंगे? मोड नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पे कर सकते हैं। मतलब मोड, यहाँ पे मोड सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, तो क्लिक करने के बाद भी हो सकता है। अब पहले से सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, न्यू पे क्लिक कर दो। हो गया, बस कितना काटना है, यही वाला है। आ गया जी। अब मान लो मैं नोट्स बना रहा हूँ एमएस पेंट का, तो मैं क्या करूंगा? अब फाइल पे आ जाऊंगा और सेव कर दूंगा। सेव हो गया। अब मान लो हम आ जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और मुझे उसका इस्तेमाल करना है, नोट्स बनाना हमको, और होम टैब के बारे में, फाइल मेनू के बारे में समझा रहे हैं। लिखेंगे फाइल मेनू, अब यही इसी के नीचे हम फोटो लगाना चाहते हैं। फोटो बस यहाँ पे आएंगे कहाँ पे? इंसर्ट, मतलब बता रहा हूँ, यहाँ मत जाना आप लोग, अभी बस क्लिक। ये दूसरा मैंने कट के रखा ना, डेस्कटॉप पे रखा था, इंसर्ट डेस्कटॉप, दिख रहा है? आ जाएगा। बोलो, जहां जहां बुक में ऐसे क्लिप लगाए जाते हैं ना, इसी ऑप्शन से बताए जाते हैं। सॉफ्टवेयर में पढ़ाते हैं लोग, और वो ऑप्शन आ जाते हैं, वही इंटरफेस काट देते हैं और कट करके नोट्स में लगा देते हैं, जिससे लगता है कि हाँ यहाँ यहाँ जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो मैं आया नहीं, कुछ बोल भी नहीं करते इस बैच में, नहीं आया है। और इसमें जो अगला ऑप्शन, उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे मोड में जब आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया फ्री फ्रॉम स्निप। अब देखो यह कैसे काम करेगा, तो यह कैंची के जैसे काम करेगा। कैंची देखे हो, इस्तेमाल भी किए होगे, सर कह लोगे जेब काटने के लिए, ठीक है? जी तो सर यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्निप का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि जैसे कैंची के सहारे जहां जहां कट करना होता है कट कर देते हैं, वैसे यहाँ भी कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में नहीं लेना चाहता हूँ, यह वाला लेके आना चाहता हूँ, काट दिया इसे। उसके बाद यह वाला, उसके
उसके बाद दिया वाला, बस आ गया। तो कई बार ऐसा इमेज आएगा जहां पर छोड़ छोड़ के कोई पार्टिकुलर हिस्सा क्या करना है आपको, कट करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, कैंची का नहीं, फ्री फ्राम स्निप का इस्तेमाल करें, ठीक है? याद हो जाएगा। तो चलो अब मुझे नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर गलती से आ गया, कुछ हिस्सा आया है और कुछ ज्यादा आ गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया इरेजर, फिर आपको अब यहाँ पे स्निप ये कर रहा है, ये जो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, वो इरेज यहाँ पे पेंट पे करेंगे तो होगा, क्योंकि इस पे ये सॉफ्टवेयर कर रहा नहीं, जो इमेज इंसर्ट करा ली वो काम करेगा। ये वाला इसके लिए दे रहा है, ये इरेज इसके लिए दे रहा है, दिख रहा है? ये सर्कल बना रहा है, इसको हटाना है तो ये दे रहा है, वो करा नहीं। इतना कैप्चर कर लिया, उतना सेव करना पड़ेगा आपको, उसके बाद से जहां पे लेके जाना है क्रॉप कर सकते हो, तो पेंट पे लेके जाना पड़ेगा, तब क्रॉप होगा। तो चलो इसको भी बता देता हूँ, क्लिक कहाँ पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप, और कुछ भी टाइप कर देते हैं, ABCD। और गलती से मैं ज्यादा ले लिया हूं तो क्या करूंगा बोलो, राइट क्लिक, ओपन विद पेन, और ये नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, बोलो, बस इतना ही सा चाहिए, गलती से हमने ले दिया, बस क्रॉप आ जाएगा। इसको फिर से सेव कर लोगे, चलिए नेक्स्ट। अगला इसमें ऑप्शन जो दिया उसको समझते हैं, मोड मोड में अगला ऑप्शन है यहाँ पे विंडो स्निप। चलिए इसको कट करते हैं और फिर से यहाँ पे सर्च करते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन आएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगला ऑप्शन है विंडो स्निप, मतलब जो विंडो दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, दिख रहा ना आपको, उस विंडो को स्निप करना है, मतलब इमेज के रूप में कैप्चर करना है। तो इसके लिए सिलेक्शन तो करना नहीं पड़ेगा आपको, जितना विंडो दिख रहा है पूरे को करना है। इसके लिए बस क्या करेंगे हम लोग, विंडो स्निप हो गया, बस कर देंगे क्लिक। अब देखो यहाँ पे आने के बाद से, देखो विंडो स्निप में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद से आप लोग जब यहाँ पे क्लिक करोगे आ जाएगा, आ गया, कोई दिक्कत? चलो एक बार और बताता हूं, क्लिक करोगे आ गया ना, आपको कहाँ पे आना है, विंडो स्निप पे। अब चलो कोई विंडो स्निप कर सकते हैं, चलो मैं आ जाता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, या दिख रहा है आपको ना, बोलो, और ये हमारा नोटपैड है, और मैं यहाँ पे आ गया, इस टूल को ओपन कर लिया, और आने वाले से क्या किया, मोड पे आया और विंडो स्निप बस क्लिक कर दें, यही तो विंडो है, या वाला, या वाला, या वाला क्लिक आ गया। चलो और इसमें लास्ट ऑप्शन उसको सीखो, सेव तो करना पड़ेगा तभी काम करेगा, और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फुल स्क्रीन स्निप। मतलब जैसे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन में स्निप हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, बस आ गए। इसमें क्लिप करने की जरूरत नहीं है, विंडो स्निप में करना पड़ेगा क्लिक, तब होगा। आप फुल स्क्रीन में जो आएगा बस दिखेगा, वह स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तब अच्छा है। चलिए लिखिए, चलिए ध्यान दीजिए, स्टिकी नोट्स होता क्या है इसको समझिए पहले। देखो स्टिकी नोट्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने सिस्टम में रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ ऐसी बातें होती है जो हमको बार बार भूल जाता है, ठीक है? तो उसके लिए अगर थोड़ा सा रिमाइंडर सेट करना हो तो इसके सारे सेट किया जा सकता है, और जो बातें हमको भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है, ठीक है, वो बार बार याद दिलाएगा। अब बार बार याद दिलाएगा कैसे, ऐसा तो है नहीं अलार्म बजेगा इसमें, ठीक है? इसमें कैसे याद दिलाता समझिएगा,
आप लोग सुने हो क्या कभी इस टिकी नोट? नहीं सुने हो ना, पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, कॉपी भी खरीदे हो ना आप लोग, उसी बुक डिपो पे जाओगे, आप बोलोगे स्टिकी नोट चाहिए तो मिल जाएगा। क्या आप कहो सर स्टिकी नोट चाहिए तो कापी किताब वाला जो भी दुकानदार हो समझ जाएगा क्या मांग रहा, दे देगा। ठीक है, अब वो मिलता है, कंप्यूटर में भी रहता है और वैसे मैनुअली तरीके खरीदने जाते हैं वहां भी रहता है। अब क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं और आप लोग अभी तक क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहे हो आप। ठीक है, पढ़ाई करते करते आप लोग थक गए हो, उतने जिम्मेदार तो हो नहीं कि अपना जिम्मेदारी निभाओगे भाई, क्योंकि अपना ही काम सही से नहीं कर पाते हो। पढ़ना है आज 3 घंटा, भूल जाता कि 1 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे का काम कहाँ से याद रहेगा जब अपना काम याद नहीं रहता है। लेकिन ध्यान देना, जब वही थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं और कहीं प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका निभाना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलने वाला है भूलने से। तो तुम भूल जाओगे तो दुकानदार वो मालिक तुमको भूल जाएगा कि बाबू हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते तुम। ठीक है ना, मतलब सर अगर मुझसे कुछ कह रहे हैं, कोई बातें कह रहे हैं और इस संस्था से रिलेटेड है और मुझे करना है, रीजन में उसी ने हमको रखा गया है। ठीक है, तो आप बताओ, एक बार कहे भूल गया, 2 बार कहे भूल गया, 3 बार कहे बाबू हम तुमको भूल जाएंगे, तो हमारे यहाँ नहीं रहोगे, तुम घर जाओ। बोलो क्यों? मतलब ऐसा काम कर रहे जो उसी लिए हम रखे गए हैं, तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हम मान लो बोल दे रहे हो आपको पढ़ाना है, ठीक है, बाद अगर नहीं रिटर्न होगी तो करेंगे नहीं करेंगे ना। मतलब अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे वही काम करवाया जा रहा है, उसी लिए रखा गया, तो जाहिर सी बात आपकी जिम्मेदारी है, वो काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करो तो डांट सुनना पड़ेगा। ठीक है, डांट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा, यही तो होगा। या खुद का अपना बॉस बनना पड़ेगा, बॉस बनोगे बहुत सारे टेंशन। ठीक है, फिर भी वो काम भूल जाओगे तो बॉस नहीं बन पाओगे, कोई तुम्हारा ठीक है ख्याल नहीं रखेगा, ना जानेगा हमारा बॉस है। जब खुद बॉस जिम्मेदार नहीं है तो हम क्या जिम्मेदार रहेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब काम करते तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है कि कुछ पॉइंट्स को आप स्टिकी नोट्स में नोट करिए जो आपको करना होता है और जो बार बार आपको भूल जाता है। जैसे मैं एक ऑफिस में जा रहा हूँ और जाते समय ठीक है वहां पे मेरा मालिक आज काम दे दिया कि बाबू आपको यह टास्क करना है। एक तो तरीका हम नोटबुक में लिखते हैं ना कि मुझे यह काम करना है, तो कई लोग थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाते हैं तो नोटबुक में लिख लेते हैं और जो काम करते जाते हैं उसको ट्रिक करते जाते हैं, पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया है। कई लोग काम करते जाते लिखवे नहीं करते, बाद में फिर वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है काम कर चुका हूँ। ठीक है, उससे भी अच्छे से काम करना है उसके लिए स्टिकी नोट्स लाते हैं प्रोफेशनल तरीके से। बड़े बड़े ऑफिसों में ना ठीक है जो बड़े बड़े इम्प्लाई होते हैं वह ऐसा करते हैं, वो दिन भर में क्या टास्क है वो कि स्टिकी नोट मतलब छोटे छोटे आते हैं, बहुत छोटा सा समझ जाओ, इससे थोड़ा सा बड़ा आता है पेपर रहता है छोटा छोटा, उस पर लिख देता है कि आज का क्या क्या टास्क है। तो बहुत सारा 5 रुपए में खरीदोगे लगभग 20 30 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है उसको बस क्या करते हैं जो मेन मेन टास्क होता है आज के डेट में सुबह से लेकर शाम तक, कि उसको इतना टाइम नहीं कि डेली पूछता रहे मालिक से कि सर यह हो गया क्या करें, यह हो गया क्या करें, नहीं एक बार बता देता टास्क यह करना है, आपकी जिम्मेदारी आपको करना पड़ेगा। हाँ, उसमें से बता दो जो बता रहा मालिक तो बता दो कि क्या क्या आता है और आपको क्या क्या नहीं आता, उसका सलूशन बता के चला जाएगा। या नहीं आता तो कह देगा छोड़ दो कोई बात नहीं इतना कर लेना, ये नहीं फोन करके पूछ रहे सर यह कर रहे हैं कर दिया अब यह करें, फिर यह कर, इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास। कहीं काम करोगे या छोटे से ऑफिस में काम करो या बड़ी से कंपनी में काम करो, तो कई लोग थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करवाते हैं, एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो उसके लिए वो स्टिकी नोट लाते हैं और जहाँ पे जिस ऑफिस में बैठते हैं वहीं पे सामने क्या करते हैं ठीक है लिखने के बाद से वो स्टिकी नोट चिपका देते हैं, क्या करते हैं चिपका देते हैं। और मान लो पहला टास्क खत्म तो उसको पहले वाले को हटा देते हैं, फिर से दूसरा दूसरे वाले को, तीसरा तीसरे वाले को, धीरे 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 पूरा फाइनल हो जाता, कोई बात नहीं है, लास्ट में जाते समय एक बार नजर देख लेंगे दीवार पे, कुछ बाकी तो नहीं है, नहीं बात कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही मान लो हम कह दिए और आप सुन लीजिए सर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 5 6 काम होते हैं तो उस समय भूल जाता है, अरे छोड़ दो सब कुछ, पापा बोले बाबू पढ़ने के बाद से चले जाने, इसे पैसा लेते आना या ये बाजार से सामान लेते आना, तो पता शाम हो जाता है और आके पापा सब पूछते बाबू सामान लाए, नहीं पापा भूल गए बहुत पढ़ने में बिजी, विचार सुनाते हैं। अच्छा अच्छा बात सुनते ही हो आप लोग, ठीक है, गांव वाले तो और अच्छे से सुनते हैं लेकिन देहात में थोड़ा सा लिमिट है। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब आप जिम्मेदारी निभाओगे कैसे जब
जब आपको याद रहेगा तब ना, कुछ लोग याद करके भी भूल जाते हैं तो उसकी बात अलग है, वो पिटौर होते हैं। रिपोर्ट मांगे तो मैं, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है ना, मैं पढ़ाते पर इतना बिजी हो गया ठीक है कि मैं भूल गया, और अक्सर भूल जाता है। तो जब भूल गया तो दिक्कत होगी, यार शाम को कुछ सुनना पड़ेगा, 1 घंटा आधा घंटा क्यों नहीं किया, हमने बताया था ठीक है, तो उसमें सुनेंगे ठीक है, और उसके बाद से चले जाएंगे, फिर से अगले दिन कहेंगे गलती नहीं करेंगे, नहीं फिर भी गलती होगा क्योंकि फिर से भूल जाएंगे, भूलने की बीमारी सबको है ठीक है। दो चार सौ काम दे दिया जाए ना तो दो चार सौ आपसे एक दो भूल जाता है ठीक है, और ज्यादा काम कर रहे हो तो फिर यू तो कोई बात है तुरंत कर लिए, फिर कोई काम कर उसके बाद काम करना है तो भूल जाता है। कई सारा सामान हम लोग जाते हैं लेने के लिए, घर में गए सामान लेने के लिए, और वही सामान रहता खड़ा होकर पूछते कहा लेने आए थे ठीक है, फिर से जाते हैं, ऐसा होता होगा सबके साथ, होता है ना जी ठीक है, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है ठीक है, पास में रहता है फिर से जाते पूछते कहा, तब तब जाके लेके आते ठीक है, अच्छा था सभी लोग भूलते हैं ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं इसको इस्तेमाल, कंप्यूटर में यह सीखते हैं तो मैनुअली लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे वह व्यक्ति जो सिस्टम पे केवल काम करता है मैनुअली काम नहीं करता है, तो उसके लिए स्टिकी नोट्स बनाया गया, इसके लिए स्टिकी सर नोट्स बिल्कुल दिख रहा बनाया है गया, मतलब सिस्टम हमेशा काम करता है और यहीं से देखता है सब कुछ, इसी पे सुबह से लेकर शाम तक इसी पे काम करना है, इसके लिए सबसे बेटर यह तरीका है। क्या करें, चलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा लाते हैं स्टिकी नोट्स, क्लिक है। आ गया, क्लिक कर देंगे, ऐसे स्टिकी नोट हमारा खुलेगा। अब ऐसे जब खुलेगा तो देखो यहीं पे ऑप्शन है प्लस पॉइंट, तो नया स्टिकी नोट हमको बनाना है, तो बस मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, दिख रहा ना, लिखा ना टेक ए नोट, तो क्या तो मुझे फी रिपोर्ट चेंज बताना है आज। सेकेंड, अपडेट करना था। थर्ड, আমি बना दिए इतना, अब बनाने के बाद जो हम काम करना करेंगे कोई दिक्कत नहीं, देखो गायब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ठीक है। मैं मान लो अटेंडेंस बोलना चाहता हूँ तो मैं आ गया, और आने के बाद से सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो काम करना था मैंने कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने बाद से टेक अटेंडेंस पे आया, उसके बाद से डैशबोर्ड में आ गया, मतलब सपोज 1 घंटा में 2 घंटा काम कर लिया। अब फिर से क्या करेंगे, मैं इसको मिनिमाइज जब करूंगा तो देखो हमारे सामने दिख रहा है ना, चलो ऐसा तो है नहीं आंख बंद करके अब इसको बंद करोगे, बोलो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, गलती से अगर मान लो हम काम कर रहे थे और काम करते वक्त ही हमारा सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया ठीक है ना, तो यह सेव नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब आप स्टिकी नोट्स को खोलोगे ना तो ये बताएगा क्या क्या आपको काम करना था, सेव करो या ना करो, अगर सिस्टम रिस्टार्ट हो गया तो ये बंद भी नहीं होगा, खुला रहेगा डेस्कटॉप पे, सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे या नहीं बंद होने वाला है, मतलब पूरा बंद हो जाएगा तो आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सेव रहेगा, लेकिन सिस्टम किसी कारण तो रिस्टार्ट हो जाता है तो भी सारे एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, लेकिन यह जो एप्लीकेशन है कभी बंद नहीं होगा और बार बार आपको दिखाएगा, आपको सर यह कैसे, तो चलो जो लाइव ऑनलाइन है वो तो अब जाएंगे क्योंकि बंद होने वाला